बाड़मेर की नंदी गौशाला आवारा गौवंश के लिए वरदान साबित हो रही है। शुक्रवार को राजवेस्ट पावर प्लांट भादरेस के प्रबंध निदेशक वीरेश ने नंदी गौशाला पहुंचकर यहां चल रहे सेवा कार्य और व्यवस्थाओं को देखा और संचालन की सराहना की। गौरतलब है कि राजवेस्ट प्लांट भादरेस द्वारा नंदी गौशाला में पूर्व में 25 लाख रुपए की सहायता दी गई थी, जिसे काउशेड और चारा संग्रहण गोदाम का निर्माण हो पाया है। इस दौरान प्रबंध निदेशक वीरेश ने आश्वस्त किया कि जीएसडब्ल्यू गौवन सेवा समेत सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा अग्रणी रहा है और आगे भी इस तरह की गतिविधियों में जीएसडब्ल्यू रहकर सहयोग देता रहेगा। कोरोना के इन हालातों में लोगों ने आमजन की मदद के साथ साथ पशुओं को भी पूरा ध्यान में रखकर पूरी मदद की। ऐसे दौर में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के भी प्रयास रंग लाए और आवारा पशु की शरण स्थली बनी नंदी गौशाला में समाज सेवियों, भामाशाह संस्थाओं, सरकारी कार्मिकों, अधिकारियों, चिकित्सकों व ठेकेदारों सहित आम नागरिकों ने भी भरपूर सहयोग दिया। इसी कड़ी में अपना बड़ा सहयोग नंदी गौशाला दे मिसाल पेश करने वाले राजवेस्ट पावर प्लांट भादरेस जेएसडब्ल्यू ग्रुप के प्रबंधक निदेशक वीरेश देव रमानी ने भी विधायक जैन के साथ नंदी गौशाला पहुंच गौशाला में चल रहे सेवा कार्यों को देखा और यहां पर बड़ी संख्या में निराश्रित गौवंश की पालना व्यवस्थाओं में रूबरू हो सेवा कार्यों को सराहनीय बताया। गौरतलब है कि राजवेश प्लांट भादरेस द्वारा नंदी गौशाला में पूर्व में 25 लाख रुपए की लागत से कौ सेट एवं चारा संग्रहण गोदाम का निर्माण करवाया गया, उसको भी देखा व कार्यों को संतुष्टि जाहिर की। नंदी गौशाला निरीक्षण के दौरान विधायक की देखरेख में चल रहे व्यवस्थाओं व सेवा कार्यों से प्रभावित जेएसडब्ल्यू के प्रबंध निदेशक वीरेश देवरमानी ने आश्वस्त किया कि जेएसडब्ल्यू ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहेगा। नंदी गौशाला समिति ने जेएसडब्ल्यू के प्रबंध निदेशक वीरेश देवरमानी का आभार प्रकट किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति दीपक माली सहित कई समाज सेवियों पार्षद मौजूद रहे।